पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। कोरोना का प्रभाव झेल रहे लोगों के लिए आने वाला 15 अगस्त अच्छी खबर ला सकता है। सब कुछ सही रहा तो भारत में 15 अगस्त को पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की जा सकती है। आपको बता दें कि दुनिया के साथ साथ भारत में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 6 लाख के पार जा चुकी है। ऐसे में अगर जल्द ही वैक्सीन मिल जाती है तो यह लोगों के लिए वाकई में बड़ी खबर होगी। 15 अगस्त को जो वैक्सीन लॉन्च हो सकती है उसे भारत बायोटेक ने बनाया है। वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। हाल ही में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली है। 7 जुलाई से ट्रायल शुरू होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सोमवार को भारत बायोटेक को वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति दी। सरकार वैक्सीन के ट्रायल की पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है। मामले में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए इनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फास्ट ट्रैक मोड में किया जाएगा। अगर सभी ट्रायल सही रहे तो 15 अगस्त तक कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। वैक्सीन को हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने बनाया है, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कंपनी ने घोषणा की है कि उसने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोरोना के लिए भारत की पहली वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि सोर्स कोव 2 स्ट्रेन को पुणे स्थित NIV में अलग किया गया है और भारत बायोटेक को हस्तांतरित किया गया। घरेलू इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को हैदराबाद के जीनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक के BSL-3 बायो सेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में विकसित किया गया। कोरोना वायरस को तकनीक भाषा में सोर्स कोव 2 भी कहा जाता है। भारत बायोटेक को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें कि इससे पहले कंपनी ने वैक्सीन को लेकर अपने प्री क्लिनिकल स्टडीज में प्राप्त किए गए परिणाम सौंपे थे। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ वैक्सीन अपने आखिरी स्टेज के ट्रायल में भी हैं। वहीं इसी बीच भारत की तरफ से 15 अगस्त पर वैक्सीन लॉन्च करने की बात करना काफी चौंकाने वाला है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे, धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।